Welcome to Shipra's kitchen. My entire kitchen is smelling yummy. Excellent balance of flavors. Hello and welcome to Shipra's kitchen. आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी विद अ सुपर फूड और रेसिपी का नाम है क्रीमी ब्रोकली सूप. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बॉयल ब्रोकली. यहाँ पे मेरे पास ब्रोकली के फ्लोरेट्स हैं, मैं इसको पानी में डाल रही हूँ और इसे हमें उबालना है. ब्रोकली ब्लांच हो चुकी है. आई एम गोइंग टू सीव इट इन अ बोल. इसका जो पानी है वो डिस्कार्ड कर देंगे. और अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी एक ब्लेंडर में. साथ में मैं ऐड कर रही हूं मिल्क एंड इट गोज इन द ब्लेंडर अंटिल स्मूथ. Okay, it's well blended now. Wow, smells really like broccoli. इसको अब हम सीव कर लेंगे ताकि जो सूप है वो एकदम स्मूथ हो. इट्स क्रीमी ब्रोकली सूप. और अब मैं इसको गैस पे पकाऊंगी. और इस स्टेज पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए लिटिल बाय लिटिल, क्योंकि हम चाहते नहीं लम्प्स बने. आई एम गोइंग टू स्टर इट एंड अलोंग विद दैट आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ नटमेग फॉर फ्लेवरिंग और साथ ही में थोड़ा सा वाइट पेपर. It's getting thicker. And now I'm going to grate mozzarella cheese in this. Taki ye aur bhi zyada creamy ho jaye. And now it's time to serve. Aap dekh sakte hain ye thick bhi ho gaya hai, creamy bhi ho gaya hai. It's smelling awesome. Bahut mild nutmeg ki khushbu aa rahi hai. It's lightly seasoned with salt and pepper. एंड इफ़ यू डोंट माइंड चंक्स ऑफ कोर्स आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं इसके अंदर. और जो ब्रोकली आपने सीव करके रखी है यू कैन यूज इट इन एनीथिंग एल्स इन मेकिंग अनदर सॉस. दिस इज इट. सूप हमारा तैयार है. मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पार्मेसान चीज से. एज सिंपल एज दैट. और ये लीजिए आपका गर्मा गर्म क्रीमी ब्रोकली सूप तैयार है. कीप वॉचिंग शिप्रास किचन फॉर सम सम्प्शुअस इनोवेटिव एंड लिप स्मैकिंग रेसिपीज. इफ यू लाइक माई रेसिपीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिप्रास किचन.